हेलो, मैं दिनेश फार्मासिस्ट और आपका स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री नाइट पर। माइंड को कंट्रोल करने की प्रोसेस बताऊंगा मैं आज, और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेस मैंने सीखी और ये कहाँ से सीखी है, इतनी किताबें पढ़ी मैंने और आप यकीन भी नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है यकीन करके, चलिए हम प्रोसेस बताते हैं। आप जब ब्रीथिंग करते हैं तो सांस अंदर लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। तो इस सांस अंदर लेने के और छोड़ने के बीच में एक गैप आता है, उस गैप पर फोकस कीजिए। फिर आप अपनी ब्रीथिंग में सांस को बाहर छोड़ देते हैं, फिर एक गैप आता है, छोटा सा गैप, बड़ा जरा सा गैप, और फिर सांस को अंदर लेते हैं। एक गैप आप सांस जब अंदर लिए तब आया, और एक गैप जब आपने सांस छोड़ी तब आया। तो ये जो दोनों गैप हैं, इन दोनों गैप पर फोकस कीजिए। आप किस तरीके से एयर को अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, किस तरह से ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, इस पर ध्यान मत दीजिए। बस वो जो दो गैप आए हैं, अब उस पर ध्यान दीजिए। गैप पर अपना पूरा फोकस कीजिए और यकीन मानिए 15-20 मिनट बाद आपका जो माइंड है ना, जीरो हो जाएगा। कुछ कोई विचार नहीं आएंगे आपके माइंड में, और ये सबसे इफेक्टिव प्रोसेस है, यकीन मानिए। इससे इफेक्टिव मैंने नहीं देखा, बेहतरीन प्रोसेस है। इस्तेमाल कीजिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और लोकल वोकल। थैंक यू।